नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। नगर के इंदौर रोड ग्राम पांडा गांव, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र एवं बीआरसीसी नसरुल्लागंज में आता है, यहां स्थित शासकीय प्राथमिक शाला केटव कॉलोनी ग्राम पांडा गांव में स्थित है, जहां गरीब बच्चों की रुचि पढ़ाई करने में देखी गई। लेकिन शिक्षक की मनमानी के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। शिक्षक मनमाने समय पर स्कूल आते हैं। शिवराज सिंह चौहान एवं प्रशासन से कार्रवाई की मांग एवं बच्चों के भविष्य को अंधकार से बचाने की मांग की गई है, जिससे वह शिक्षित हो सके। सर कब आते हैं तुम्हारे? 11 बजे। तो अभी कितना बज रहा है? 11। अभी 11 बजा है बेटा? 11:30 बज रहा है। और तुम्हारे शिक्षक का पता नहीं है ना? स्कूल खुलने का समय क्या है? 10:30 का है सर। 10:30 का। अभी कितना बज रहा है? 11:25 हो रहा है। बच्चे 1 घंटे से बैठे हुए हैं बाहर। आप कितने शिक्षक हैं यहाँ? 2 हैं सर। दो कौन है आपके यहाँ? अतिथि क्या? नहीं, सहायक अध्यापिका मैडम। अच्छा, वो भी अभी तक नहीं आई? नहीं, वो सर ट्रेनिंग में जाएगी आज। अच्छा, तो आएंगे नहीं? तो आपका ही राज है इस वक्त? नहीं सर, मेरा छोटा वाला साड़ू भाई इस बार हो गए। अच्छा, उनके कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे। तो आपने छुट्टी ली है क्या ऐसी? अच्छा, तो ये बच्चे सब गरीब परिवर्ती के बच्चे हैं, इनकी शिक्षा का ध्यान रखने का किसका जिम्मेदारी बनती है? हम लोगों का है सर। तो फिर आप कैसी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नहीं तो यहाँ के बच्चे बता रहे हैं और यहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं कि रोजाना यही हाल रहता है, तो ये सच है? नहीं, 11 बजे का टाइम बताया बच्चों ने। नहीं, बच्चों का मतलब बच्चे जो बोल रहे हैं गलत मान लें क्या हम? नगर में ईद के त्योहार को लेकर पहले ईदगाह एवं जामा मस्जिद। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9। उन्होंने ईद की नमाज पढ़ी और दुआएं मांगी। वहीं नमाज एवं दुआ के बाद लोगों ने शिकवे गिले खत्म कर एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। ईदगाह के पास अलग अलग संगठनों द्वारा नमाजियों का स्वागत किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता वन विकास निगम अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष लखन यादव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों का स्वागत किया गया। नसरुल्लागंज से सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9।